सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अपना फैसला सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। नवाब, भीड़ तो बहुत ज्यादा है यार। ऐसा कर, हाँ तू नीचे बैठ, हाँ मैं तुझ पे चढ़ता हूँ और लेता हूँ क्या फुटेज। भाईजन मिला ना फुटेज? वैसे भी आप ठीक ही कह रहे थे, मेरी हाइट कम होने की वजह से उसका फुटेज, उसका चेहरा नहीं मिलता। वो तो तेरी हाइट ज्यादा होती तो भी तुझे नहीं मिलता। हाँ, हाँ? क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा क्यों? उसके चेहरे पे नकाब था। हाँ, क्या क्या मतलब? मतलब उसका फुटेज नहीं मिला? नहीं मतलब मिला, मतलब उसका चेहरा नहीं मिला। हाँ? बिना चेहरे के फुटेज का क्या आचार डालना है? अब उस खड़ूस से पैसे भी कैसे मांगेंगे इस फुटेज का? और अब कर भी क्या सकते, पुलिस अगर उसके चेहरे पर नकाब डालकर उसे बाहर लाई तो? वो भी बात सही है। अच्छा छोड़, पर एक बात समझ में नहीं आई नवाब, एक आतंकवादी को सपोर्ट करने के लिए इतने सारे लोग क्यों जमा हो गए? क्या कहा तुमने, आतंकवादी? अशरफ नाम है उनका, इज्जत से नाम लो, वो एक सच्चे हिंदुस्तानी है, समझे? प्रेस वाले हो ना, तो पहले बात की जड़ तक जाओ फिर मुंह खोलो, समझे? और हाँ, दोबारा अगर उन्हें आतंकवादी कहा ना तो काट के रख दूंगा। भाईजान माफ कर दो, वो गलती से निकल गया, माफ कर दो। बच गए भाई, ये लोग तो बड़े जज्बाती हो रहे। भाई चल, नहीं चाहिए इसके फुटेज, चल। नहीं नवाब, बात तो उसने सही कही, हम प्रेस वाले हैं, बात की तह तक जाना, उन बातों को लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हम अब इसी स्टोरी पर काम करेंगे, तू चल मेरे साथ। भाई पागल हो गए हो क्या, खड़े खड़े काट देने की धमकी दी है उन्होंने, अगर हम वहां गए ना तो पहले काटेंगे और हमारी बोटियां बुटियां करके पूछेंगे, अरे भाई कौन हो तुम, कौन हो तुम? देख भाई, हम इस पर काम नहीं करेंगे, हम कामिनी न्यूज पर काम करते हैं। मेरे पास पक्की खबर है, वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दुबई जा रही है, अरे मसाला भी बहुत है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। नहीं नवाब, हम इसी स्टोरी पे काम करेंगे, उस पहलू से जिस पहलू पे आज तक किसी ने भी गौर नहीं किया, उसके अतीत की सारी चीजें हम लाएंगे। भाई पागल हो रहे हो क्या तुम, ज्यादा सेंटी मत बनो, चलो यहाँ से। नहीं नवाब, हम इसी स्टोरी पे काम करेंगे, तू मेरे साथ देगा या नहीं देगा? अच्छा, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा तो भी तू इस स्टोरी पे काम करेगा ना? तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है नवाब, नवाब हो सकता है वो आतंकवादी ना हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए नवाब, लोग
ऐसे ही किसी के लिए जज्बाती नहीं होते। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बस तुम जज्बाती हो रहे हो। चलो यहाँ से। तू मेरे साथ दे रहा है कि नहीं? नहीं। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात। तू मेरे साथ आ रही है? नहीं नहीं। ठीक है, तू सच में मेरे साथ नहीं आ रहा है? अरे जा चल। तू फाइनली मेरे साथ नहीं आ रहा है? नहीं। नहीं बोला ना? तो ठीक है ना, अच्छा तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। अब तूने फैसला कर लिया होगा तो ठीक ही होगा। तू जा अपने रास्ते और मैं जाता हूँ अपने रास्ते। पर एक बात याद रखना नवाब, इस महीने का किराया तुझे ही देना है। अरे भाई आप तो नाराज ही हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा। मैं बोला आपको छोड़ के जा सकता हूँ क्या? बोलो कहाँ जाना है और क्या करना है? मेरी ओवर एक्टिंग की दुकान। ओवर एक्टिंग बंद कर, चल बैग पैक कर और चलना है। कहाँ? कोल्हापुर। कोल्हापुर? हाँ। अरे मरवाओगे क्या? मिलोगे कैसे? तेरे मामू किस दिन काम आएंगे मेरी जान। हाँ, हाँ, मामू? मामू? कौन मामू? किसके मामू? तेरे मामू, कोल्हापुर वाले। कोल्हापुर? मामू? उनकी ट्रांसफर हो गई है भाई। देखना बाप, तू झूठ मत बोल। मैं जानता हूँ वो उसी जेल में ड्यूटी कर रहे हैं। भाई सच कह रहा हूँ। देखना बाप, मैं तुझे जानता हूँ। भाई नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अपनी दोस्ती का वास्ता, सच बोल। तू मरवाएगा यार? मरवाऊंगा नहीं, जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम करवाऊंगा। चल चल मोहन भाई के पास चलते हैं। क्या कोल्हापुर जाने की टिकट वहाँ मिलती है? नहीं रे। अरे फिर वहाँ क्यों जाना है? उसके पहले के भी पैसे देने बाकी है। चलो डायरेक्ट चलते हैं। पहले रिसर्च करेंगे फिर चलेंगे उनके पास। अरे पर उसको कैसे समझाएंगे? वो तुम मुझ पे छोड़। और देख, मैं जो बोलूंगा ना तू बस हाँ कर देना, समझ गया? हाँ। क्या मोहन भाई, कैसे हो? हाँ मजा माँ। ए तू क्या इधर है? चलो बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। अरे मोहन भाई बात तो सुनो। अभी कुछ बात सुनने का बाकी है? मेरा पहले का पैसा दे दो फिर बात करेंगे। चलो निकलो। अब मोहन भाई कर दी ना छोटी बात। क्या तो है? आपको पता भी है मैं किसके लिए काम करता हूँ? किसके लिए? सबसे तेज कब तक के लिए। ए भाई क्या बात कर रहे हो? पता है उन लोगों तो मुझे एक अच्छा पोस्ट भी ऑफर किया था। पर क्या है ना, जो काम फ्रीलांस में करके है ना वो किसी के अंडर में काम करके नहीं है। एकदम साची बात छे है। और क्या है ना मोहन भाई, अपने मोहन भाई का कैफे होते हुए मैं किसी और के अंडर में क्यों काम करूं? बोलो। मैं भी वही बोल रहा हूँ। एकदम बराबर। मोहन भाई का कैफे क्या चलता है? एकदम सही बात। उनके जैसे थकेला है? नहीं मतलब जब चलता है तो क्या चलता है, 4G को पीछे छोड़ता है। एकदम साची बात छे है। नवाब देख लेट हो रहा है, हमें बहुत काम करना है। ठीक है मोहन भाई चल 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 चल। हाँ चलो। ए भाई कहाँ जा रहे हो? क्या है ना वो थोड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट है आपके लिए? सॉरी हाँ, मैं तो आया था ना थोड़ा सर्व कर लूँ। पर ठीक है, आपको तो पैसे चाहिए। चल नवाब चल 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 चलते। लो कर लो बात। रिलेशन में पैसा कहाँ से आया है? हाँ आ जाओ काम कर लूँ। हाँ हाँ कर लो कर लो, काम कर लो। मोहन भाई काम कर लूँ? सॉरी सॉरी सॉरी, काम कर लो। ठीक है ठीक, आ जाओ आ जाओ। बैसो, बैसी जा, तू यहाँ बैसी जा। मोहन भाई दो कटिंग आपो। हाँ दो मिनट। काम करना है ना? काम? सॉरी सॉरी सॉरी, काम करने का लाता हूँ अभी। हाँ हाँ बैसो। मरवाएगा क्या? एक कैदी का इंटरव्यू लेना था, अशरफ अंसारी का। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? फांसी की सजा लगी है उसे, फांसी की सजा। निकलो चलो। प्लीज मामू, हम उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं मामू। इतने सालों में कोई उनकी मदद नहीं कर सका, तुम क्या करोगे उनकी मदद? हमें उनसे मिलने तो दीजिए। नहीं नहीं निकलो चलो। मामू प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। प्लीज मामू, प्लीज मामू। ठीक है। हेलो सर,
सर, मैं एक पत्रकार हूँ। पता है, तुम्हारे हेलो से पता चल गया। सर, वो आपसे एक बात करनी थी। मुझे नहीं करनी, जाओ यहाँ से। सर, मैं जानता हूँ आप आतंकवादी नहीं हो। ये लो, मेरी बीवी ने भेजा है। अच्छा, तो आपकी बीवी का जन्मदिन है? नहीं, मेरा है। हैप्पी बर्थडे सर। आज नहीं, 15 दिन बाद है। 15 दिन बाद मतलब? उसी दिन फांसी है मेरी, उसने पहले ही भेज दिया। शायद ये सोच के कि जन्मदिन के बाद भी मुझे जिंदा देख सके। I'm sorry, sir. Don't be. आखिरी बार कब मिले थे उनसे? गिरफ्तार होने के बाद एक मुलाकात हुई थी। फिर कभी नहीं मिले उनसे? वैसे भी मुझसे किसे मिलने दिया जाता, पर मैं खुद भी उससे नहीं मिलना चाहता। ऐसा क्यों किया आपने? क्या करोगे जानकर बरखुरदार? आपकी मदद। मेरी मदद जो आज तक कोई नहीं कर सका, तुम कैसे कर लोगे? वो मैं सर, मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम वो पहले इंसान हो जिसको लगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। नहीं तो आज तक जो भी मुझसे मिल कर गया, सबको यही लगा कि मैं एक देशद्रोही हूँ। खैर छोड़ो, पूछो क्या जानना चाहते हो। सब कुछ, जो आज तक किसी ने भी जानने की कोशिश ना की हो। कॉलेज का आखिरी दिन था, रिजल्ट था हमारा। भाईजान। अरे शहनाज, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। इस बार भी फर्स्ट क्लास पास हुए ना। तुम भी खाओ। ले भाई, तू भी खा। अरे कोई मुझे भी तो खिलाओ, मैं भी तो पास हुआ हूँ। थर्ड क्लास में ना। तुझे कैसे पता? आपके चेहरे पर जो 12 बजे ना, उससे। नमस्ते। नमस्ते। और बेटा कैसे हो? बस ठीक हूँ अंकल। घर पे सब कैसे हैं? जी अंकल, बिल्कुल सब ठीक है। इंतजाम होगा? हाँ, वो कुछ इंतजाम कर रहे हैं और कुछ कर्ज उठा रहे हैं। कितना कम पड़ रहा है, मुझसे ले लो। अरे नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर जरूरत पड़ी तो आपको जरूर बताऊंगा। बेझिझक मांगना बेटा। जी अंकल। वैसे तुमसे एक बात करनी थी। फिर कुछ किया क्या आमिर ने? नहीं, कुछ नहीं किया उसने, मगर उससे कुछ ऐसे गलत लोगों के साथ देखा गया है जो कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं बात करूंगा अंकल उससे। देखो, तुम्हारा भाई है और मैं तुम्हारी अब्बू की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम्हें बताया। मैं उससे बात करूंगा अंकल, और मैं देखूंगा कि दोबारा वो उनसे ना मिले। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। जी चलता हूँ। शहनाज। जी भाईजान।
कहाँ जा रही है? रूपा के पास। अच्छा जाना, चलो जल्दी आना। अरे भाईजान, भाईजान इस बार भी अव्वल नंबर से पास हो गए हैं। मुझे पहले से ही पता था, इसलिए सारे दोस्तों को पार्टी दे रहा हूँ सुबह से। शर्मा अंकल मिलकर गए। भाईजान मेरे को मालूम है उन्होंने क्या बोला होगा आपको, और भाईजान मैं तो जानता ही नहीं उन लोगों को। वो सलीम मुझे वहाँ पे ले गया था और मेरे को पता चला तो मैंने धोया भी उसको। भाईजान कभी शक्ल भी नहीं देखूंगा उनकी, कसम से बोल रहा हूँ। देख आमिर, बड़े मुश्किल से अब्बू ने तुम्हारे लिए गैरेज खोला है। भाईजान आपको क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? भाईजान एक दिन ऐसा काम करूंगा। भाईजान अब्बू को मत बताना प्लीज। हाँ प्लीज 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 भाईजान। अरे चंदन भाई, इस बार भी पास हो गए अल्लाह की मदद से यार। अरे मजाक है। अरे अरे भाई, भाई नहीं हो, भाई नहीं हो। तू जब देखो मेरा मजाक उड़ाता रहता है यार। मजाक कर रहा हूँ। ये बताओ उन्होंने परेशान तो नहीं किया वापस? नहीं भाई, अब तो वो लोग मुझे देखते ही डर जाते हैं। अभी कैसी है? अरे चेतन बेटा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ अबू, आइए ना बैठिए। और तुम पास हो गए? क्या अबू, आपको भी लगता कि मैं पास नहीं हो सकता? अरे ऐसी बात नहीं है। और कहां तुम इसकी हंसी पर जा रहे हो जो पांचवी कक्षा भी पास नहीं कर पाए? अबू, ओ अबू, बड़े बड़े लोगों ने पढ़ाई नहीं की पर फिर भी वो लोग बड़े बने ना। अब्बू इंजीनियर हूँ मैं, इंजीनियर। एक दिन ये बड़ा गैराज बनवाऊंगा और ऊपर आपका नाम लिखवाऊंगा। और बड़े बड़े लोग अपनी बनाई गाड़ी में नहीं घूमे तो नाम बदल देना मेरा। काश ऐसा हो जाए, पर उससे पहले अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना बंद कर। समझा? तेरे वो दोस्त सलीम, उसे पुलिस क्यों ढूंढ रही थी? अब्बू मुझे सच में उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अबू सलीम से तो मैं बात भी नहीं करता, मिलता भी नहीं हूँ कभी। अच्छी बात है, ऐसे लोगों से दूर ही रहा कर बेटा। और चंदन? हाँ अबू। पापा कैसे हैं तुम्हारे? पापा बिल्कुल ठीक हैं अबू। अरे उनसे मिले या नहीं, या यहीं आए हो कॉलेज से सीधा? नहीं अबू, बस सीधा यहीं पे आए हैं, अभी जाएंगे। ओ भाई चले क्या? अबू मैं जाकर आता हूँ। हाँ बेटा जाओ, लेकिन रास्ते से मिठाई लेते जाना बेटा। ये ले रुपए। जी ठीक है अबू। और हाँ बेटा, तेरे पैसों का इंतजाम लगभग हो चुका है, पर थोड़ा समय लगेगा बेटा। ठीक है अबू। जा बेटा जा जा। भाई सुनना यार, पापा से तू ही बचाइए वरना पापा बहुत मारेंगे यार। थोड़ा लेट चलते हैं ना शाम को। पर हुआ क्या? अरे यार बहुत डर लग रहा है, चलना कहीं गार्डन वार्डन में चलते हैं, रूपा से मिल लेंगे। यार देख तू बार बार रूपा के पास लेके मत जाना मेरे को, और जहाँ भी चलना है तू चल, कोई टेंशन नहीं। अच्छा चल चलेंगे कहीं ना कहीं। तो चल अबू। हाँ कुछ खाओगे? हाँ हाँ बहुत मजा आया ना। मैंने तुझे बताया ना यार, पापा बहुत गुस्से में बैठे होंगे इसलिए तू संभाल लियो। देख 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 तू चंदन भाई। हाँ फेल हो गया क्या? हमें शक्ल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी कर दिया कर। चल भाई छोड़, चल तू जा। हाँ हाँ मैं हूँ। चल गधड़ा आशु छे आ वक्त भी थर्ड क्लास आवे। पण पप्पा मैं कोशिश तो करी होती ने। पण पप्पा अरे पण पण शू करी रयो छे तरी पण थर्ड क्लास आवे ना कदड़ा, कम से कम सेकंड क्लास तो लेने आओ। तो पप्पा पास हो गया ना? बस यही एक उपकार किया इसने मुझ पर। लेकिन बेटा अशरफ, अगर ये इस तरह से करेगा तो क्या करेगा आगे जिंदगी में? पप्पा क्यों नहीं करेगा, बल्कि हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। क्या करोगे तुम लोग? बिजनेस। हां चंदन ने बताया नहीं आपको? अरे इस गधेड़ा ने तो मुझको कुछ भी नहीं बताया। कौन सा बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तुम, और आइडिया किसका है? वो जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे, आइडिया हम दोनों का है। और तुम्हारे बिजनेस में निर्णय कौन लेगा? जी हम दोनों। क्या मतलब कि मैं ही लूंगा, पर हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे। तो ठीक है, तुम कब शुरू करने जा रहे हो बिजनेस?
जी अब्बू कुछ पैसे का इंतजाम कर ले, बस उसके बाद ही। पैसा मैं दे दूंगा, तुम लोग सिर्फ आगे बढ़ो। और वैसे भी तो तुम दोनों मेरे बेटे हो। जी पापा। सलमा बहन कितना ख्याल करती है इसका, इसको कभी इसके माँ की कभी भी उन्होंने याद नहीं आने दी। ये क्या कर रहा तू गधेड़ा? कुछ नहीं पापा, वो सबके हाथ में देने ना फूल। या क्या शादी हो रही है? शहनाज पापा को दो। नहीं मुझे नहीं, सलमा बहन को दो। हा? सलमा बहन ये नेक काम आपके हाथों से होना चाहिए, लीजिए। हेलो। आई लव यू। तू भी बोलना आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारा बोल दे। शादी करेंगे ना? अरे शादी, अरे सुनना मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करूं क्या? कुछ अर्जेंट काम याद आ गया। बाय 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 बाय। सारे काम बंद कर, शादी में जाना। अरे अम्मी ने कहा था। चल 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 चल। कौन सी शादी? अरे है कोई शादी, मुझे क्या पता, अम्मी ने कहा था बस लेके आ जा। मैं नहीं जा रहा किसी शादी में यार, तू जा। मैं अकेला क्या करूंगा, तुझे चलना पड़ेगा। अरे मैं क्या करूंगा उस शादी में जाकर? तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ चलना, समझा? चल चलना है यार, इतना मत बुलवाया कर यार। चल 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 चल। देखा जो तुझे मैंने ये क्या हो गया, बरसों जो हुआ ना था एक पल में हो गया। नजरें मिली दिल गुफ्तगू करने लगे, कुछ इस तरह हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। राबता तुझसे रहा पिछले जन्म मेरा कोई, देखते ही दिल ने कहा तू है मेरा बेगाना नहीं। राबता तुझसे रहा पिछले जन्म मेरा कोई, देखते ही दिल ने कहा तू है मेरा बेगाना नहीं। चोरी से हमें निहारे, जुल्फे जैसे वो सवारे,
कातिलाना उसकी है अदा। निगाहें जरा संभालो दिल पे मेरे कुछ रहम हो, मेरा दिल भी मेरा ना रहा। अब रात दिन और चारों पहर इस जमीन पे मेरी जन्नत है, इस बात काम को गुरूर है, मैं तेरा हूँ तू मेरी है। नजरें मिली दिल गुफ्तगू करने लगे कुछ इस तरह, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। रब्ता तुझसे रहा पिछले जन्म मेरा कोई, देखते ही दिल ने कहा तू है मेरा बेगाना नहीं। रब्ता तुझसे रहा पिछले जन्म मेरा कोई, देखते ही दिल ने कहा तू है मेरा बेगाना नहीं। दिल तुम्हें बताना बेगाना सब जमाना, फुर्सत है तुमसे अब कहां। जब से मुझको तुम मिले हो जिंदगी मेरी तुम ही हो, रब से भी मांगू अब मैं क्या। जिंदगी रोशन तुझसे नूरे जहां तू मेरा है, तू दुआ है मेरी जान ले तू ही तो मेरी। नजरें मिली दिल गुफ्तगू करने लगे कुछ इस तरह, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। रब्ता तुझसे रहा पिछले जन्म मेरा कोई, देखते ही दिल ने कहा तू है मेरा बेगाना नहीं। रब्ता तुझसे रहा पिछले जन्म मेरा कोई। भाईजान बात पक्की करें? कबूल है। अम्मी भाईजान को कबूल है? क्या बोल रही है तू? क्या मतलब? चेतन भाईजान आपको कुछ नहीं बताया? अरे भाईजान आप ही की शादी की बात करने तो हम लोग आए हैं। अब चल ठीक है, अब तुझे नहीं है पसंद तो बोल देते हैं। अम्मी अरे सुन तो, मैंने ऐसा कब कहा? इसका मतलब कबूल है, अम्मी कबूल है। ठंड बहुत है ना आज? जी थोड़ी है। कैसी हो? जी अच्छी हूँ। बाकी सब ठीक है घर पे? जी सब सब अच्छे हैं। मेरे भी। आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, अपने परिवार के बारे में? हाँ वो मैं क्या कह रहा था, मेरी बहन शहनाज बहुत प्यारी है, नटखट है, बहुत शरारती है, सब उसे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बात का बुरा मत मानना, सबसे छोटी जो ठहरी, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ यही कहना था। और मेरा भाई आमिर, उसके आमिर भाईजान की तो इतनी शिकायतें आती है कि क्या बताएं, मगर अब थोड़ी कम हो गई है। आप चिंता ना करें, हम दोनों मिलके उन्हें समझा लेंगे। और हमारे अब्बू और अम्मी, उनके बारे में? अम्मी के बारे में तो क्या बताएं? आप बोले पूरब तो पूरब, पश्चिम तो पश्चिम, और अब्बू अब्बू भी एकदम अम्मी जैसे हैं। अम्मी और अब्बू आप जो बोलते हैं आपका सारा कहना मानते हैं, आपके हर फैसले में उनकी रजामंदी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सब कैसे पता? चंदन भाईजान, उन्होंने ही तो हमें सब कुछ बताया। भाभी जान, हा? आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो ना, यहाँ की वहाँ वहाँ की यहाँ से, तो आप मुझ नाचीज को याद कर लीजिएगा। ठीक है भाईजान। तू अब जाएगा यहाँ से? कौन हो भाई तुम? भाभी जान आपको एक बार पता है, हम लोग ना कॉलेज जा रहे थे, सामने से अचानक रास्ते में ना रूपा के पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे। क्या भाभी जान, कब से आप हमें बातों में लगाई हुई हैं? हमारा भाई जान आपसे बात करना चाह रहा है और आप हैं कि उन्हें भावी नहीं दे रही है। भाई वो अभी बोल रहा ना था कि वो रूपा के पापा देखने की बात कर रहे हैं।
यार रूपा के पापा से एक बार बात कर ले यार मेरी शादी के लिए, अब तो कमाने भी लग गया हूँ यार, तेरे हाथ में है भाई मेरा काम। अब तू जा तो मैं बात करूंगा। अच्छा ठीक है, ओके भाभी जान, ऑन द वेस्ट। बाय भाई जान। पानी देना। जी जी जी। ये वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। जी। भाभी पानी, और इसमें भाभी। क्या हुआ भाई, फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब इस वक्त किसी क्लाइंट का फोन तो आता नहीं, आपकी मोहतरमा का ही होगा, उठा लीजिए। हेलो। हाँ जी भाभी जान, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वैसे अभी आपके भी फोन आने शुरू हो गए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वो शाम को जल्दी आइएगा। हाँ ठीक है, कुछ काम था? पापा से मिलने जाना है, चंदन भाईजान के रिश्ते की बात करने। हाँ ठीक है, रखता हूँ। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी जान क्या और जाऊँ ना? और जाऊँ? चल पापा, वो आप नाराज मत हुई है। देखिए चंदन भाईजान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर आप हाँ नहीं कहेंगे तो। हाँ बोलो बोलो बोलो। भाईजान उस लड़की से कभी नहीं मिलेंगे भाई, पर ये भी सच है कि फिर भाईजान किसी और से भी शादी नहीं करेंगे। पापा आप मान जाइए ना प्लीज। प्लीज पापा। आइयो। मेरे मना करने के बाद में भी तू उस लड़की से शादी करेगा तो फिर आज के बाद वो तेरी प्रेमिका नहीं रहेगी। ठीक। क्योंकि अब वो मेरी बहू बनने वाली है। अच्छा बेटा जाओ शादी की तैयारियां शुरू करो, और वैसे भी सब काम तुम्ही को संभालना है। जी पापा। सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम सलाम। जनाब नहीं आए? हम लोग जिहादी हैं, हम लोग ज्यादा बोला नहीं करते ना ही ज्यादा सोचा करते हैं, हम लोग सिर्फ सुना करते हैं और अल्लाह के नेक रास्ते पर आगे बढ़ा करते हैं। जनाब का दीदार तो नसीब वालों को होता है, और आपके नसीब में वो बात है। हाँ
बाकी की सब तैयारियां? जी जनाब, वो बाकी सब। भाई भाई, वो जो गाड़ी आपकी खराब हुई है वो मैं ठीक करवा के जल्दी आपके घर भिजवा दूंगा, और जो पेमेंट का हिसाब है ये मेरे भाई जान। अजन, ये कस्टमर। जन कुछ नहीं, वो गाड़ी का काम था भाई, सलीम ने अच्छे से किया नहीं और डिलीवरी दे दी, बस वही बात संभालने आया था। एक काम ढंग से नहीं होता भाई इससे। तो फिर कुछ गलती तो नहीं कर रहा ना भाई जान? यहाँ 50 काम और गैराज के ऊपर एक दो काम ये और बढ़ा देता है भाई जान। भाई जान, आप कोई टेंशन मत लो, मैं गैराज पे जाता हूँ, बहुत काम है, बाद में मिलता हूँ। चलो चलो। तू आज ऑफिस में? क्या बात है, हमें तो लगा था 10-15 दिन तक तेरा कोई आता पता ही नहीं होगा। ये चमत्कार कहाँ से हुआ मेरे भाई? वो भाई, अब जिम्मेदारियां ना बढ़ गई हैं, इसलिए अब हम टाइम से घर जाएंगे और टाइम से ऑफिस आएंगे। टाइम से ऑफिस आएंगे, टाइम से घर जाएंगे, समझे अभी? चल सही है, मैं निकलता हूँ, क्लाइंट से मीटिंग है मेरी, आते हुए लेट हो जाऊंगा मैं, तो वहीं से घर चला जाऊंगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, सुनना। हाँ बोल। वो आज ने पापा ने खाने पे बुलाया है, तो टाइम से घर आ जाना। तुम लोगों को आज यहाँ बुलाने का कुछ खास कारण है? हाँ बोलिए ना पापा। तुम्हारे कहने पे मैंने इसकी शादी कर दी, लेकिन ये अभी भी दुनियादारी उतनी नहीं समझ पाया है, और मेरा क्या पता मैं और कितने दिन जीऊंगा। पापा ये आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं दिख रहा, मैं तुम लोगों को भावुक नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है ना, यहाँ कोई अमर होके तो नहीं आया ना, हर किसी को एक न एक दिन तो जाना ही है। मुझे तो बस ये गदड़े की चिंता सताई जा रही है। बेटा आश्रम, मुझे पूरा भरोसा तो इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम लोग साथ में जीना। रुखसार बेटा। जी पापा। रूपा को तू हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझना। तुम लोग बड़े प्यार से रहना, कभी किसी की बातों में मत आना। गुजरात राइड्स में पापा के खास दोस्त असलम अंकल का घर जला दिया गया, ना उनका पता है ना उनकी फैमिली का पता है, बस इसीलिए पापा थोड़े परेशान हैं। अरे पापा, आपको क्या लगता है हमारे बीच कभी मजहब की दीवार आ सकती है क्या? नहीं, बस ऐसे ही लगा तो बोल दिया, कहाँ गया होगा असलम, यहाँ आता ये भी तो उसका ही घर था ना। पापा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हो सकता है कि उन्हें लगा होगा कि आपके पास आने से आपको तकलीफ होगी, इसलिए कहीं और चले गए होंगे, और थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। आप फिक्र ना कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो आपसे जरूर मिलेंगे, और जहाँ तक बात हमारी है तो हम सब एक परिवार है, आप हमारी फिक्र बिल्कुल ना करें। हाँ बेटा। पापा बहुत अपसेट थे आज, पर उन्हें आप पर पूरा यकीन है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो इसलिए आप हमें छोड़कर अपनी अम्मी के घर जा रही हैं? ऐसे ना कहिए, वरना हम नहीं जाएंगे, वैसे भी हम अम्मी के यहाँ नगमा के निकाह के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो निकाह के बहाने जा रही हैं? अच्छा, दो दिन बाद। इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो? वो रिश्तेदार के घर गए थे सर, डिनर के लिए, अभी अपने घर जा रहा हूँ पठानवाड़ी। माहौल पता नहीं है क्या, क्या चल रहा है? काम करो, इधर पीछे से निकल जाओ। आम दिनों की तरह गुजरात की
की रोजमर्रा की तरह चल रही है। अचानक हुए दंगों से लोगों में दहशत फैल गई है। यहाँ के ज्यादातर कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या हो गया है लोगों को? किस नफरत में जी रहे हैं? अब ये हम लोग सुन के लेते हैं ना, इसलिए हम पे जुल्म करते हैं। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है? कौन सा जुल्म हुआ है हम पर? अरे ये कुछ लोगों के नापाक मंसूबे हैं जो आपस में लड़वाने से पूरे हुए। अगर हम लोग समझदारी से समझें चीजों को तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा माहौल ही नहीं बनेगा। गलती हम लोगों की ही है जो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। समझे हम सब एक हैं, कुछ लोग हमें तोड़कर अपने सियासी दाव पेच खेलते हैं। गुजरात के ज्यादातर जिलों में क्या कर्फ्यू लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि कर्फ्यू लगा रहे हैं वहाँ पे। खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ लोग शांति से जीना पसंद करते हैं। वैसे रुखसार बेटी को मैके छोड़ आया? हाँ अबू छोड़ आया, बल्कि हम पहले चंदन के घर गए थे, उसके बाद छोड़ आया। पर रास्ते में बहुत प्रॉब्लम हुई, वो कुछ पुलिस वाले ने नाकाबंदी लगा रखी थी, पर उन्होंने सपोर्ट अच्छा किया। खुदा का शुक्र है। बस अब यही दुआ करता हूँ बेटा, ये सब जल्द ठीक हो जाए। जी अबू। सुन, कहाँ जा रहे इतनी रात में? भाईजान बच्चा नहीं हूँ, बात बात पे टोका मत कीजिए, आ जाऊंगा जल्दी। क्या हो गया इसे? कुछ नहीं, उसे लगता है कि हमारी कौम पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। जुल्म? पागल हो गया ये, अगर ऐसा होता तो पुलिस वाले हमें सपोर्ट क्यों करते? यही बात मैंने भी कही, जाने दे, थोड़ी देर में आ जाएगा। जी अब्बू। सुनना भाई। हाँ बोल। एक काम करते हैं, आज ऑफिस जल्दी बंद कर देते, बाहर का माहौल भी ठीक नहीं है। चल ठीक है, तो स्कूटर निकाल, मैं आता हूँ। और 2-3 दिन ऑफिस भी बंद रखते हैं जब तक बाहर का माहौल ठीक नहीं हो जाता। ठीक है, चल मैं आया। तू जल्दी जल्दी काम खत्म कर, मैं स्कूटर निकालता हूँ, तू जल्दी आ। ठीक है, आया मैं। अशरफ भाई, भाई भाई मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, तो तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम मुझे कुछ मत करो, तुम्हें तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मुझे छोड़ दे। नहीं नहीं, छोड़ छोड़ छोड़। रुको, ये हमारे आमिर भाईजान के भाई है, इस बार तो तू बच गया, दोबारा नहीं बचेगा। चलो रे। तू ठीक है ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ, तू तू जा, मैं चला जाऊंगा। पागल हो गया, अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, चल। भाई समझा कर, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे बारे में मत सोच। हमारे यहाँ सब मुझे जानते हैं, हिंदू है, मुझे कुछ नहीं होगा वहाँ। तेरी जान को खतरा है, तू जा, तू जा। हमारे बीच में हिंदू मुसलमान कब से आ गया? नहीं भाई, तेरे मेरे बीच में हिंदू मुस्लिम नहीं आया, लेकिन ये सारे लोग पागल हो गए हैं, इनका जमीर पागल हो गया है, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे साले। चल चल कर, चल। भाई तू जा, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, तू जा और घर पहुंच के फोन कर देना। मैं भी पहुंच के फोन कर दूंगा। हाँ तू जा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? तुम भी भाई, अगर तू जल्दी पहुंच जाए तो फोन कर देना, ठीक है? Hey!
ठीक तो है ना बेटा? अरे अम्मी मुझे क्या होगा? हाँ चंदन का फोन आया था। हाँ वो रास्ते में थोड़ी तकलीफ हो गई थी। आमिर का है? वो सलीम के साथ है और ठीक है। उसका फोन आया था पर उसे तुझे सुबह से फोन कर रही थी, तेरा फोन नहीं लग रहा था। अरे वो ऑफिस के लाइन में प्रॉब्लम थी इसलिए। तो पहले रुखसार को फोन कर जल्दी, वो डरी जा रही है, और चंदन को भी फोन कर ले। करता हूँ। हेलो। हाँ पापा, चंदन कैसा है? बेटा अशरफ, क्या वो पापा सब ठीक तो है ना? अगर आज तू नहीं होता तो क्या होता मेरे कतेड़े का? तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या पापा, मेरी जगह चंदन भी होता तो भी वो यही करता। लाइया क्या पापा आप भी? हेलो। हाँ भाई तू पहुंच गया ठीक से? हाँ भाई पहुंच गया। अच्छा सुनना, तूने भाभी को फोन किया क्या? नहीं अभी नहीं, अभी करूंगा। अच्छा तू भाभी को पहले फोन कर, भाभी ऑफिस का फोन ट्राई कर रही होंगी सुबह से। ठीक है मैं उसको कॉल करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो और पापा का भी ख्याल रखना। ठीक है रखता हूँ। हेलो अशरफ, कहाँ हैं आप? कैसे हैं? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? कहाँ पहुँचे हैं अभी आप? रुखसार बेगम हम ठीक हैं और अपने घर पे ही हैं। सुबह से फोन कर रही हूँ आपको, कम से कम एक फोन तो कीजिए आप। अरे काम में था और ऑफिस का लाइन खराब था, नहीं तो कॉल करता आपको। ठीक है, अभी माहौल कैसा है वहाँ पर? यहाँ सब ठीक है, वहाँ की हालत कैसी है? यहाँ पर माहौल ठीक है, सुबह से ही दो पुलिस की वैन है। माहौल को देखते हुए नगमा के निकाह को 2 महीने आगे तय कर दिया गया है। अच्छा। आप कल सुबह हमें लेने आ जाइए। हेलो हेलो रुखसार, क्या हुआ? हेलो हेलो, कुछ नहीं, वो सुबह से आपने फोन नहीं किया और मुझे स्ट्रेस हो गया था इसीलिए बस थोड़े चक्कर आ गए थे। मैं आता हूँ अभी वहाँ। नहीं नहीं आप अभी नहीं आएंगे, आपको मेरा वास्ता। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अबू चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो। सलीम ये सब क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? भाईजान फिलहाल के लिए किसी महफूज जगह पर है। पर रुखसार आप भाभी जान की फिक्र न करें भाईजान, उनके घर के वहाँ पुलिस का पहरा है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और आमिर भाईजान पीछे उन्हीं के लिए तो रुके हैं, वो उन्हें और उनकी अम्मी जान को लेकर आएंगे। आप चाय पीजिए ना भाईजान। शहनाज, अबू, अम्मी, सलीम ये क्या मिला है तुमने इसमें? भाईजान, ये लोग हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं? और आमिर भाईजान के साथ क्या किया इन लोगों ने? कहीं लोगों ने आमिर भाईजान को कुछ कर तो नहीं दिया? शहनाज कुछ नहीं हुआ उसे और कुछ नहीं होगा हमें, मैं हूँ ना, डरो मत। हाँ सलाम।
सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान आप ठीक हो? ठीक। भाईजान भाईजान ये लोग हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं भाईजान? शहनाज ये हमें कुछ करेंगे तो नहीं ना भाईजान? शहनाज ये सब हमारे अपने लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सब हमें अपने वतन ले जाने आए हैं। अपने वतन? हाँ भाईजान अपने वतन पाकिस्तान। ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ भाईजान, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। गैरत की नजरों से देखते हैं ये हमें, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब हम वहां नहीं रहेंगे। ये देखिए भाईजान, ये सारे दस्तावेज, ये सारे पासपोर्ट सब पाकिस्तानी है भाई। और भाभी जान की फिक्र आप ना करें, उन्हें लाने के लिए मैंने अपने लोगों को भेज दिया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे पास होंगे। उन लोगों का रवैया हमारे खिलाफ सही नहीं है भाईजान, उन्होंने जो किया है उसके लिए अल्लाह ताला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। पर मैंने भी उन्हें छोड़ा नहीं भाईजान, अच्छा सबक सिखाया। अरे पर किया क्या तूने? कुछ नहीं भाईजान, उन्होंने हमारे लोगों को मारना, बस उसी का बदला बम उड़ा दिया। अरे बेवकूफ क्या किया तूने? इसका मतलब ये सारे दंगे तू कर रहा है? मेरी वजह से नहीं भाईजान, शुरुआत उन्होंने की थी, मैंने सिर्फ जवाब दिया है। अरे क्या जवाब दिया? अपने ही लोगों को मार दिया? अरे वहां के हिंदू मुसलमान सब अपने हैं, कुछ लोगों के नापाक इरादों के साथ तू भी जुड़ गया, तू ये कैसे कर सकता है? तेरे बॉम्ब ने ब्लास्ट होते वक्त किसी मजहब को नहीं देखा होगा, न उन मासूम बच्चों को, न बुजुर्गों को, न औरतों को। ये किस तरह का बदला लिया तूने बेवकूफ? इसे जिहाद कहते हैं। अल्लाह के रास्ते चलते अपने कुछ लोग कुर्बान भी हों तो अल्लाह पाक की नजर में उसे शहादत कहते हैं। शहादत? कौन हो तुम? सरफराज मलिक, ISI चीफ। अपने मुल्क का एक मुलाजिम जो अल्लाह के दिखाए जिहाद के रास्ते चलता है। तो ये सब तुम्हारा किया हुआ है? नौजवानों को गलत राह दिखाकर उनको उनके ही मुल्क के खिलाफ कर दिया हा? अरे जिहाद का मतलब समझते हो तुम जो दूसरों को समझाने चल पड़े? अरे जिहाद का मतलब होता है अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलना और उन रास्ते पर चलने से रोकने वाले नफरत को खत्म करना। और हमारा मजहब कभी किसी को मारना नहीं सिखाता। अरे मुसलमान हैं हम जिनका ईमान अभी जिंदा है। और ऐसा कौन सा काम किया है तुमने जो खुद को अल्लाह के बंदे बता रहे हो? अरे औकात क्या है तुम्हारी? भाई हैं हमारे, अभी हमें समझे नहीं है, जल्द समझ जाएंगे भाईजान। हम जो कर रहे हैं अपनी कौम के लिए कर रहे हैं। लोग 10,000 बार सोचें अपनी कौम पर उंगली उठाने से पहले। आप जल्द ही हमें जान जाएंगे, पर फिलहाल तो आपको हमारे साथ चलना होगा अपने मुल्क पाकिस्तान, आप चाहें या ना चाहें। पर हम चाहेंगे कि आप अपनी मर्जी से चलें। कल तक का वक्त है आपके पास, सोच लीजिए। खुदा हाफिज। भाई जान ये क्या कर रहे हैं आप? एक अच्छी नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है और आप समझने का नाम ही नहीं ले रहे। ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अब वो आप भाई जान को कुछ समझाते क्यों नहीं? बेटा हम अपने मुल्क को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ अगर इन्हें ले ही जाना है तो हमारी लाशों को ले जाए। ये क्या बोल रहे हैं अब्बू? अम्मी आप तो कुछ समझे। शायद मुझ में ही कुछ कमी रह गई तुम्हारी परवरिश करते वक्त। मत कह मुझे अम्मी, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जिस पे मुझे फक्र है और वो तू नहीं है। भाईजान समझाइए इन लोगों को। अरे कुछ नहीं रखा है वहां पर, अगर वहां गए ना तो आपको आतंकवादी साबित करके जेल में डाल देंगे। मुझे अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है।
कानून, कानून बहुत अच्छी है भाईजान, पर सियासत बहुत गंदी है। और मैं आपको वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, आप चाहें या ना चाहें, आपको मेरे साथ आना ही होगा। चल सलीम। भाईजान वो बेटा, चाहे जो हो जाए, तुम्हें फिर से अपने लोगों में लौटना होगा, हमें बेगुनाह साबित करना होगा। इतने सालों की इज्जत इसने वो भी खत्म कर दी। मुझे वादा कर, मेरे मर जाने के बाद तू मेरा नाम मिट्टी में नहीं मिलने देगा। हाँ अबू। मिट्टी में नहीं मिलने देगा। तुम जैसे देशभक्त इस देश में मौजूद हैं, हमारी एकता को कोई नहीं तोड़ पाएगा और ना ही हमारे देश को तोड़ पाएगा। उस सरफराज को एक बार मेरे हाथ लगने दो, उसे मैं जिहाद समझाऊंगा अपने तरीके से। पर सर मुझे अभी वहां जाना होगा। तुम पागल हो रहे हो, तुम्हारी जान खतरे में है। उन्हें अब तक पता चल चुका होगा कि तुम भाग चुके हो। सर हो सकता है उन्हें ना भी पता चला हो, और वैसे भी मेरे ना जाने से मेरी फैमिली की तकलीफ बढ़ सकती है। सर एक बात कीजिए सर, अगर मुझे कुछ हो भी जाए ना, तो आप लोगों को ये ज़रूर बताएंगे कि इसमें मेरी फैमिली का हाथ नहीं है। हम बेकसूर हैं सर, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। मैं वादा करता हूँ, इसे अपने साथ रखो, इससे किसी को भी कॉल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, 2 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, इससे हम कॉन्टैक्ट में रहेंगे। अबू भाईजान का है? अम्मी कहाँ है भाईजान? शनाज भाईजान कहाँ है? जनाब, जनाब वो भाईजान कहीं नजर नहीं आ रहे जनाब। भाईजान क्या सोचा है आपने? मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं, बहुत सोचा मैंने। अब हम वहां कितनी भी कोशिश करें, लोग हमें गुनहगार ही समझेंगे और जिल्लत भरी जिंदगी बितानी होगी। वो भी शायद उन्होंने हमें छोड़ दिया तो, पर वो हमें छोड़ेंगे नहीं। और मेरी परिवार की भलाई के लिए मुझे आपकी बात माननी होगी, हम चलेंगे आपके साथ पाकिस्तान। पर मेरी बेगम। भाईजान आप उनकी फिक्र ना करें, हम उन्हें सही सलामत यहां ले आएंगे, और हमारे लोग जा भी चुके हैं उन्हें लाने के लिए। सुभान अल्लाह, हमारे भाईजान अपने मुल्क चल रहे हैं, ये तो जश्न की बात है।
जश्न हो। Amin.
हेलो 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 रुखसार, अशरफ अशरफ कहाँ हैं आप? और सारे घर वाले, कब से फोन कर रही हूँ मगर कोई फोन ही नहीं उठा रहा। सब खैरियत से तो है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? रुखसार वो मैं कैसे बताऊं? आप वहां से जल्द निकल जाइए। ये लोग आपको लेने के लिए निकल चुके होंगे। और गलती से भी किसी रिश्तेदार के घर मत जाइएगा। इस आमिर ने सबका पता दे दिया होगा। आप एक काम करिए, आप अपने दोस्त माधुरी के यहाँ चले जाइए और चंदन के कांटेक्ट में रहिएगा और उसको बोलिएगा कि मैं आते ही उससे मिलूंगा, ठीक है? जी, सुनिए। हाँ बोलिए। आप अब्बू बनने वाले हैं क्या? किसी इरादे से आया है? कौन सा इरादा सर? मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता रखा है। देख, जो भी स्टोरी तूने अभी तक सुनाई ना, वैसा वहां कुछ भी नहीं था और ना ही तेरे मां बाप थे वहां पर। जो बस मिला मुझे तेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट और तेरा सैटेलाइट फोन था। अब जल्दी सच बता, वरना अभी तक मैंने हाथ नहीं उठाया। जब हाथ उठाऊंगा ना। देखिए सर, मैंने आपको सब कुछ सच बोला है। अच्छा, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। कर लिया यकीन, जा लिखा है कुछ? सर आर्मी वाले आए हैं। ये आर्मी वाले भी ना, ठीक है उनको बोला आ रहा हूं। जी सर। जी सर बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मुझे अशरफ की कस्टडी चाहिए। माफ करना, वो अशरफ नहीं है, एक पाकिस्तानी आतंकवादी है, नवाज नाम है उसका। मुझे पता है वो अशरफ ही है, नवाज नहीं है। मुझे भी पता है। और बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप जैसे बड़े अफसर ऐसे धोखा कैसे खा गए, कैसे आ गए उसकी बातों में? दबोच लेना था ना तभी, क्यों नहीं दबोचा? अब वो हमारी कैद में, और वैसे भी मेरे प्रमोशन का सवाल है। अब आप एक काम कीजिए, कल सुबह आइए, प्लीज जाइए। ठीक है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जरूर, मगर सिर्फ 2 मिनट। कॉन्स्टेबल। यस सर। इन्हें लेके जाइए। जी सर। उन्हें शायद हमारे प्लान के बारे में पहले से पता चल चुका था। वो हमारे आने से पहले ही वहां से निकल चुके थे और तुम्हें यहाँ छोड़ दिया पीछे सबूतों के साथ। मतलब वो लोग मेरे अब्बू अम्मी जान को पाकिस्तान ले गए? शायद हाँ, या हो सकता है उन्हें मार दिया हो। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? पेन है आपके पास? सर आप एक नंबर लिखिए, 5424347। ये मेरे दोस्त चंदन का नंबर है, वहां से आपको मेरी बेगम रुखसार का पता चलेगा। बस अब ये ध्यान रखिएगा कि वो ठीक तो है, और उसे ये बता दीजिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरी फिक्र ना करे, वो अपना ख्याल रखे। मैं अब्बू बनने वाला हूँ। तो आप अब्बू बनने वाले हैं? पर अब पूरी जिंदगी तो जेल में बितानी है। आपकी बेबी का ख्याल कौन रखेगा?
टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना। जबान संभाल कर बात कर, हम इंडियन ऑफिसर हैं, यहाँ औरत की इज्जत जान से ज्यादा प्यारी होती है। तो बेइज्जत लोग है ना, हमें इज्जत करनी नहीं आती। सही कहा, इसलिए ये देशद्रोही के साथ भाईचारा निभा रहे हो। चलिए जाइए, इसके पेपर्स का इंतजाम कीजिए। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें रूल फॉलो करना ही होगा। क्या मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल सकती है सर? व्हाई? ताकि मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। आई एम सॉरी, लेकिन ये कोई रीजन नहीं है छुट्टी पे जाने के लिए। यस सर। लेकिन रमन, तुम चाहो तो ऑफिशियल लेटर दे करके छुट्टी पे जा सकते हो। थैंक यू सर। देखो अशरफ, बात ध्यान से समझो, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारे लिए। एडीएस की टीम तुम्हें लेने आ रही है, जो होना है कोर्ट में ही होना है। कश्मीर पुलिस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। हाल ही में हुए बम ब्लास्ट में इस आतंकवादी का हाथ है, ये बात साबित हुई है। सूत्रों के अनुसार आतंकवादी का नाम अशरफ अंसारी बताया जा रहा है, जो कि मुंबई का रहने वाला है। इस गिरफ्तारी से कश्मीरी पुलिस और यहाँ की सरकार को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसे तो सजा होनी ही चाहिए। पर बाबूजी, लाश तो इसके भाई ने किया था ना? भाई ने किया ना, खून का रिश्ता है ना। क्यों, निभाना तो पड़ेगा। सियासत में अगर रहना है तो इसे हम नहीं छोड़ सकते।
May I come in, sir? Please come. बैठिए। थैंक यू सर। रुखसार, यू आर वन ऑफ माई बेस्ट टीचर, पर हालात अब ऐसे हो गए हैं कि चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं तुम्हें निकाल तो नहीं सकता, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना इस्तीफा मुझे खुद ही दे दो। सॉरी बेटा, ठीक है। थैंक यू सर। माय प्लेजर। आपने जो न्यूज छापने में मेरी मदद की है उसके लिए धन्यवाद। इट्स ओके। इन मीडिया वालों ने तो नाक में दम कर रखा है। मगर बाबूजी, इससे तो हमारे पार्टी की, सरकार की और आपकी भी छवि खराब हो जाएगी। अब क्या सोचा इसके बारे में आपने बाबूजी? उसे लाओ लोगों के सामने। मगर बाबूजी, मगर वो बोलेगा वही जो हम चाहेंगे। पर कैसे बाबूजी? श्रीवास्तव, लगाओ उसे फोन। जी बाबूजी। श्रीवास्तव अन्ना। हाँ बाबूजी, से बात करो। बाबूजी। श्रीवास्तव। जी सर। तुम्हें पता है कि क्या करना है? ओके सर, मैं समझ गया। टीरामन, आई एम श्रीवास्तव। हेलो सर। आपकी स्टोरी बाहर के लोग कवर कर रहे हैं और हम ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। आई वॉज रॉन्ग। हम अशरफ की स्टोरी कवर करेंगे और उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सर। पर क्या उसे इंटरव्यू करने दिया जाएगा? दैट्स माय हेडेक। मैं सरकार को मजबूर करूंगा ये इंटरव्यू करने को। थैंक यू सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, काम तो आप कर रहे हो, हम तो आपके काम में सिर्फ आपका साथ दे रहे हैं। और अच्छे काम में हम साथ देंगे, तभी तो इंसानियत रहेगी। राइट? यू आर राइट सर। नमस्कार कमिश्नर साहब। नमस्कार अन्ना भाव। बोलो। बाबूजी ने कहा है अशरफ का इंटरव्यू अरेंज करो। पर उन्होंने तो फोन नहीं किया। नहीं नहीं, आपको अगर कोई डाउट हो तो बाबूजी से बात करा देंगे आपकी, कोई चिंता नहीं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। चलो प्रणाम। अशरफ, सर आप, कल तुम्हारा इंटरव्यू है, जो कुछ भी है खुलकर बताना, आखिरी मौका है। शुक्रिया। तो अशरफ अंसारी, आपने अपने भाई की किस तरीके से मदद की थी इस बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने में? मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। तो आपके बिना मदद के उसने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया?
आप कहना क्या चाहती हैं? जी मतलब यही कि आपका तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो क्या उसका फायदा उठा के आपने सारा आरडीएक्स इंपोर्ट किया? मैम आप सच्चाई जानना चाहती हैं या मुझे टेररिस्ट साबित करना चाहती हैं? इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ होने के बाद तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा ना? सही कह रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो लटका दीजिए मुझे फांसी पर। ये आपको ये लगता है कि मैं आमिर का भाई हूँ इसलिए लटकाना चाहिए तो भी लटका दीजिए, पर ये मत कहिए कि मैं एक टेररिस्ट हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरे अब्बू ने मेरी फीस भरी थी, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था और बहुत मेहनत करके मैंने अपना बिजनेस बनाया था। मेरे अब्बू दिन रात मेहनत करके इतने पैसे तो नहीं कमा सके, पर उन्होंने इज्जत कमाई थी और आज उसी इज्जत के लिए मैं यहां बैठा हूं। मेरा बॉम्ब ब्लास्ट में कोई हाथ नहीं है और ना ही मेरे अब्बू, मेरी अम्मी या मेरी बहन का हाथ है। हमें तो पता भी नहीं चला कि हमारा भाई आमिर कब इस रास्ते चल पड़ा। आखिर हुआ क्या था? रात का वक्त था, आमिर घर पर नहीं था। वो कहकर गया था कि वो अपने दोस्त के यहाँ ठहरेगा। कुछ देर बाद कुछ लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया और उसी बीच आमिर का दोस्त सलीम हमारी मदद के लिए आया। हम बहुत डर चुके थे इसलिए हम उसके साथ चले गए। उसने हमारे चाय में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से हम बेहोश हो गए। फिर जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि आमिर वहां पहले से ही है और वहां मैं मिला सरफराज मलिक से, आईएसआई चीफ। वही हमारे देश के नौजवानों को गुमराह कर रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। आज मेरे भाई आमिर जैसे कितने नौजवान होंगे जो उसके कहने पे काम कर रहे हैं। पर हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास जो मैंने छुपा के रखे थे। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो डॉक्यूमेंट्स मैंने कश्मीर पुलिस को दिए थे, पर उनका कहना है उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स मुझसे हासिल किए और आज उसे मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जब संध्या, एक मिनट हाँ सर, ये आदमी मुझे टेररिस्ट नहीं लग रहा है। समथिंग इज देयर जिससे हम लोग दूर है। वी हैव टू सी दैट आल्सो। हमें उसे सीधे तौर पर टेररिस्ट नहीं कहना चाहिए। देखो संध्या, मे बी यू आर राइट, पर हम लोग लोगों को सच्चाई बताते हैं और वो सच्चाई सबूतों के आधार पर होती है और सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। पर हो सकता है सर सबूतों के साथ छेड़खानी की गई हो। संध्या डोंट थिंक मच, तुम्हारी चीफ एडिटर की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है और अपनी सक्सेस पर कॉन्सेंट्रेट करो। गो कंटिन्यू योर इंटरव्यू। नो सर, आई कैन नॉट। मैं किसी जेन्युइन आदमी को टेररिस्ट नहीं दिखा सकती। संध्या तुम्हें इसे टेररिस्ट दिखाना ही होगा, ऊपर से काफी प्रेशर आ रहा है। ओके, तो प्रेशर के वजह से किसी को भी आतंकवादी घोषित कर देंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सबूत कह रहे हैं। ये सबूत नहीं, कुछ और कह रहा है, जिनकी वजह से आप एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं करोगी तो कोई और कर लेगा, बट ये इंटरव्यू ओके रहेगा। उसके बाद लोगों तक मैं पहुँचाऊंगी और आज के बाद यही मेरा काम होगा। गुड बाय सर। पर हाँ सर, आप अपना चेहरा आईने में देख पाएंगे? अशफाक खान जी? हाँ जी, कहिए। जी मैं संध्या जी, मैं आपके अखबार में उर्दू समाचार में एक आर्टिकल देना चाहती हूँ। वो आर्टिकल क्या है? अशरफ अंसारी का है। ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा। शुक्रिया। स्थानीय उर्दू समाचार ने मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी आतंकवादी अशरफ अंसारी को बेगुनाह बताया है। हमारे संवाददाता के अनुसार उर्दू समाचार अवाम ने यह दावा किया है कि बॉम्ब ब्लास्ट अशरफ अंसारी के भाई आमिर अंसारी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर किए हैं। इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। अन्ना अगर आपके लिए अपना सर कटा सकता है ना बाबूजी, तो बाबूजी के लिए 50 सर कटवा भी सकता है। बस कल का समाचार वही होगा जो हमारे बाबूजी को पसंद है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
आजाद भारत के आजाद पत्रकारों को अन्ना का नमस्कार। अरे क्या संपादक, ये क्या है साला, सफेद पन्नों पे काले साई से क्या लिखा है तू? अबे पागल, दिल्ली में आग लगी है और आग का गोला अन्ना के सर पे, और वो क्या उसका नाम अशरफ, साला एक आतंकवादी के लिए इतना क्यों मर मिट रहे हो तुम है? इसके बारे में इसके बाद लिखना बंद। वो देशद्रोही है या नहीं ये कोर्ट फैसला करेगा। बरोबर, यही तो बोल रहा हूँ। अब देखो आपकी सोच मेरी सोच कितनी मिलती है, मिलती है क्या नहीं? अरे कोर्ट फैसला करेगा, वहां पर भी तुम्हारे समान चार पांच कुछ समझदार लोग बैठते हैं ना, वो कर लेंगे फैसला। इसके बाद लिखने का नहीं। ए, चलूं मैं? और अगर लिखा तो? जोक मार रहे? बुरा था, बुरा। लिखना, लिख। लेकिन अपने पन्नों पर और खुद पढ़ने का। अरे ए झिंगूर, तूने छापा ना तो आधी रात को लगा दूंगा। लोगों को डराना यही आता है तुम्हें, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। दिल में रहने का, अल्लाह को कोई शिकायत नहीं, लेकिन दिमाग में चढ़ी ना और ये चू 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 जो किया ना, साला इधर नंगा करूंगा। फिर लिखना मेरी अपनी कहानी, मेरी अपनी जुबानी, मैं भी पढ़ूंगा और ताली भी मारूंगा। और हाँ, चिकनी है तू, हैं? फिल्मों में काम करेगी क्या? लेकिन एक प्रॉब्लम है रे, उसमें ना नाचने को आना चाहिए। ए फंटार चल।
नमस्कार अन्ना, अन्ना भाव। ए साहब, साला ये क्या हालत बना के रखा है बे? कानून का लोचा। अब देखो ना साला, तुम जैसा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी लॉकअप के अंदर और मुझ जैसा हलकट आदमी लॉकअप के बाहर, है ना लोचा? लेकिन तुम्हारी हालत देख के मेरे को एक कहानी याद आई। शेर, शेर बोले तो जंगल का राजा। शेर को अगर पिंजरे में डाल दो और दरवाजा बंद तो उसकी हालत बिना कुत्ते जैसी हो जाती है। कुत्ता। गुस्सा आया, आया थूक दे। साला कानून बोलता है रोड पे दारू पीने का नहीं। कल तुमने दारू पी के दंगा कर दिया। अरे वो मजदूर को मारा, अभी दवाखाने में एडमिट है। उसके नाक में दो पाइप है, डॉक्टर बोला ऑक्सीजन का पाइप। मोटे। हाँ साहब। साला साहब पे कौन सा केस ठोका बे? हाफ मर्डर साहब। तत साला, अबे इंसान की इज्जत करने नहीं आता? साहब का पर्सनालिटी देखो, साहब जब खड़ा होके देखता है ना ऐसा लगता है कि कोई साथ में माले से झांक रहा हो। साहब के लिए कुछ बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा। अगर वो दवाखाने में जो आदमी है उसके नाक का पाइप अगर मैं काट देता हूं तो? मर्डर के साहब। तू गया, लंबा गया। अब देखना साला, तू 14 साल अंदर रहेगा और तेरा जो फैमिली है ना, फैमिली तो साला उनको प्रोटेक्शन देगा कौन बे? ए काट। समझदार है बे, आज के बाद इस केस से दूर रहना वरना। अन्ना भाव। चंदन एक काम करेगा मेरे लिए? बोल ना भाई। मेरे बच्चे को यहां से इन सब चीजों से दूर ले जाओ। मेरा साया भी उस पर पड़ने लग गया। मैं रुखसार की तकलीफ तो कम नहीं कर सकता, पर शायद मेरा बच्चा मुझसे दूर रहा तो उसकी जिंदगी से मुझे। बगर भाई। चंदन प्लीज मना मत करना। Da-d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 a
सागर किनारा नहीं, मुझको किसी का सहारा नहीं। कैसा ये सागर किनारा नहीं, मुझको किसी का सहारा नहीं। सपने यूं टूटे हैं, अपने यूं रूठे हैं, सपने यूं टूटे हैं, अपने यूं रूठे हैं। जाऊं तो जाऊं कहां, दिल में कई अरमां बिखरे हुए हैं, यादों की चादर में लिपटे हुए हैं। जिंदगी ये जैसे हम सी गई है, जिंदा हूं मैं फिर भी किसके लिए। कैसा अंधेरा उजाला नहीं, हूँ इस जहाँ में अकेला कहीं। कैसा अंधेरा उजाला नहीं, हूँ इस जहाँ में अकेला कहीं। रास्ता तो दिखला दे थोड़ा रहम कर दे, रास्ता तो दिखला दे थोड़ा रहम कर दे मुझ पे ओ मेरे खुदा। दिल में कई अरमां बिखरे हुए, यादों की चादर में लिपटे हुए। जिंदगी ये जैसे थम सी गई है, जिंदा हूँ मैं फिर भी किसके लिए। दिल में गई अरमां बिखरे हुए हैं, यादों की चादर जिंदगी ये जैसे थम सी गई है, जिंदा हूँ मैं फिर भी किसके लिए। अजय। हाँ पापा। क्या हुआ बेटा, इतने उदास उदास क्यों लग रहे हो? पापा मुझे आज पता चला परिवार से दूर रहना क्या होता है। मुझे आज पता चला पापा कि आप मुझे अपने आप से क्यों नहीं दूर करना चाहते थे, मुझे अब क्यों पुणे में ही रखना चाहते थे पापा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पास पैसे वैसे तो है ना, खाना वाना खाया टाइम से कि नहीं? हाँ पापा। अच्छा पापा। हाँ बेटा। आज मैं एक आदमी से मिला, वो बहुत ही तकलीफ में है पापा। वो काफी सालों से अपने परिवार से दूर है। वो कई सालों से जेल में है पापा। पर पापा मैं जानता हूँ वो निर्दोष है, और मैं लड़ूंगा पापा उनके लिए। पापा उनका नाम अशरफ अंसारी है। हेलो हेलो पापा। हाँ बेटा। अजय पापा क्या आप जानते हैं उन्हें? नहीं बेटा मैं नहीं जानता। पापा हम उस समय हम मुंबई में ही रहा करते थे, आपको कुछ तो याद होगा पापा। नहीं बेटा
मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। ठीक है पापा। पापा माँ कैसी है? तेरी माँ बिल्कुल ठीक है, बात करेगा? नहीं पापा ठीक है, मैं फिर कभी फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, टाइम टाइम से खाना खा लेना हाँ, और अपना बिल्कुल ख्याल रखना, ठीक है बेटा? हाँ पापा ठीक है। अच्छा बेटा रखता हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके बेटा बाय। बाय। ऐसा विधि का विधान है तेरा, उससे एक दोस्त को वादा करवाया और उसके बेटे को उससे जुदा करवाया, और आज फिर से तूने ही उन दोनों को मिला दिया। बस एक दुआ करता हूं कि उस बच्चे को बहुत हिम्मत देना, ताकि वो अपने पिता के लिए एक सच्चाई की लड़ाई लड़ सके। उसे ताकत देना प्रभु, उसे ताकत देना। मोहन भाई। हाँ? ये आपके पैसे। ए भाई दिले ना, हमारे पास भी है, ये पैसा रख अपने पास। क्या ये तो ना, ये पूरा साइबर कैफे आज से तुम्हारा, जितना काम करना है उतना कर लो। लेकिन है ना, वो आदमी बचना चाहिए, नवाब ने सब बता दिया मेरे को। अभी क्या रोते बैठेगा है? काम भी करना है ना, आओ काम कर लो है? मैं चाय लाता हूँ तुम्हारे लिए, बैठो। जो हुआ वो सही हुआ? वो एक सच्चे हिंदुस्तानी है, मैं उनके साथ हूँ। वो एक सच्चे हिंदुस्तानी है, मैं उनके साथ हूँ। वो एक सच्चे हिंदुस्तानी है, मैं उनके साथ हैं। उनके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, हम उनका पूरा साथ देंगे। फांसी की सजा पूरी तरह से। अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारी मदद करें उन्हें छुड़वाने में। हमें अपने कैंपन को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, हमें और लोगों की जरूरत। डर गया? हाँ दादा। तुम लोग जो रोड पे नाटक करते हो ना घूम घूम के, हाँ वो करने का नहीं, समझा ना? अपनी पार्टी सच्ची देशभक्त है, समझा ना? और सुन, तुम जैसे लोग अबे कितने आए कितने चले गए, अरे सबको काट के रख दिया। अपने अन्ना का हुक्म अपनी सर आंखों पे, समझा ना? अच्छा दादा, तो अब हम चले? यार पिंटू, ये ज्यादा तो नहीं डर गया ना? ज्यादा? अरे बहुत ज्यादा डर गए दादा। ये तुम लोग जो रोड पे नाटक करते हो ना घूम घूम के, वो करने का नहीं, अपनी पार्टी सच्ची देशभक्त है, और अपन भी। दादा
क्या दादा? हाँ? वो रिपोर्टर एड़ा निकला, आपको फेमस कर दिया। क्या बात कर रहा है? दिखा ये देखो। अरे वाह, अबे चल दिख। हेलो, कौन? ब्लड बैंक? अरे हम लोगों का खून चूसते, तुम हमारा खून चूसते? साले रॉन्ग नंबर। दादा ये देखो। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात कर रहे? सही में? बहुत फेमस हो गए। क्या बात कर रहा? टीवी में। अरे वाह। और मोबाइल में भी। ये देखो, ये देखो। अरे वाह, एक नंबर। हेलो कौन? कौन अन्ना? कौन अन्ना? अरे अन्ना, अन्ना भाऊ, कब से अपने गुरु है वो, इधर ला। मातर जा, इधर साला नंगा करके घोड़े के सामने सुला के 36 कोटि पकवानों के दर्शन कराऊंगा। जी साला हवा में चार बाल क्या उड़ गया, तो खुद को सुपरस्टार समझता है मातर जा। अभी अभी तू है कहाँ? अरे मैं तो सिरडी में निकल चुका हूँ। अबे सिरडी मत जा बेटा। अन्ना, हेलो हेलो, अरे हेलो, अरे मातर जा, हेलो साला जोक की तरह चिपक जा। दादा अन्ना ने लगता है बहुत तारीफ की है। बहुत बहुत ज्यादा तारीफ की है। बिट्टू अब मैं सोच रहा हूँ क्या कि हम लोग ये क्या है ना, हाँ? कि एमएलए का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या है कॉर्पोरेट का चुनाव लड़ेंगे। क्या बोलता है? क्यों नजर लगती है, समझा ना? काम को नजर लगती है। इतनी जल्दी कोई यहाँ से वहाँ बैठ जाए तो नजर लगती है। इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सीढ़ी बाई सीढ़ी, तो नीचे नहीं गिरेंगे। एकदम सही बोले दादा। सोशल मीडिया पर अशरफ अंसारी को फांसी से बचाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। अशरफ अंसारी मुंबई ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हैं। हेलो सर। हाँ जी कहिए। सर मैं अजय और ये मेरा फ्रेंड नवाब। हाँ बैठिए। थैंक यू सर। सर मुझे संध्या शिंदे जी से मिलना है। कौन संध्या? सर संध्या शिंदे, जिन्होंने अशरफ जी की स्टोरी पे काम किया था और आप ही के उर्दू समाचार के फ्रंट पेज की न्यूज थी सर। होगी पर मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है। इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी खबर और आप कहते आपको कुछ पता नहीं? ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई मिस्टर अशफाक भाई। शायद आपकी भी कोई कमजोरी रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। फिर भी अगर आप हमारी कुछ मदद कर सके तो ये रहा मेरा कार्ड। ठीक। क्या है ये? हाँ क्या स्टोरी ला रहे हो? आई वॉन्ट टीआरपी। एक डंकी स्टोरी तुम लोग कवर नहीं कर पा रहे हो। आई वॉन्ट समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिफरेंट कंटेंट, गॉट इट? यू जस्ट लीव नाउ एंड हाँ, वर्क ऑन स्ट्रॉन्ग कंटेंट। हाँ अशोक भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, तुम कैसी हो और हमारी गुड़िया कैसी है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गुड़िया भी ठीक है। एक लड़का आया था अजय, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। उसमें भी वही बात थी जो तुम्हारे अंदर नजर आती थी, और वो लड़ भी उसी बात पे रहा था जिस पर कभी तुम लड़ा करती थी। अशरफ मियाँ की स्टोरी कवर कर रहा है और आजकल तो सोशल मीडिया पर भी काफी चल रहा है। पर अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है और क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर बड़ी जिद थी उस लड़के में। देखो अगर कुछ कर सकती हो तो करो। अल्लाह हाफिज। ठीक है। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं,
मुझे लगता है कि अब हमें अजय को सब सच्चाई बता देनी चाहिए। क्या अपने दोस्त से किया हुआ वादा तोड़ दूं? कहीं ये वादा निभाते निभाते ऐसा ना हो कि एक बेटे को उसके पिता से अलग कर दे, ये गलत होगा। हमें अजय को बताना ही होगा कि वो हमारा बेटा नहीं है। क्या अजय भैया मेरे सगे भैया नहीं है? नहीं बेटा। पापा ये आप क्या बोल रहे हैं? आप चुप क्यों हैं? अजय भैया मेरे सगे भैया नहीं है? मम्मा ये पापा क्या कह रहे हैं? हाँ पापा भैया क्या कहा तूने? मैं तेरा भैया नहीं हूं? क्या कहा इसने? पापा इसने क्या कहा? पापा आप लोग मेरे माँ बाप नहीं हैं? आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? क्या आप लोग मेरे माँ बाप नहीं हैं? क्या ये परिवार मेरा परिवार नहीं है? इसका मतलब मैं एक अनाथ हूँ? नहीं तुम अनाथ नहीं हो। तो ये सब क्या है पापा? क्या है ये सब? तुम्हारे पिता अशरफ अंसारी है। क्या? आप चंदन शाह हो? हाँ। दुनिया वाले तुम पे उंगलियां ना उठाए, इसलिए मैंने अपना नाम चंदन शाह से कांतिलाल शाह कर लिया। बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हारे पिताजी के कहने पे ही मैं तुम्हें मुंबई से यहाँ पुणे लाया। यहाँ पे मैंने एक नई दुनिया बसाई, सबको एक नया नाम दिया। बेटा मैंने तो तुम्हारे पिताजी को किया हुआ एक वादा पूरा किया। मुझे गलत मत समझना, मैं क्या कहूँ तुझे, मैं तुझसे छुपाना नहीं चाहता था, बस अपने दोस्त को किया हुआ वादा पूरा कर रहा था। बस मैं बता नहीं सकता था, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे पिताजी के लिए लड़ना होगा बेटा। तुम्हें तुम्हारे पिताजी के लिए लड़ना होगा। वो एक सच्चे हिंदुस्तानी है। मैं लड़ूंगा पापा। मैं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा पापा। ए भाई अजय भाई के लिए कोई पार्सल है, देखो। भाई मेरा पार्सल? और आज उसी इज्जत के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरा बॉम्ब ब्लास्ट में कोई हाथ नहीं है। पर नहीं मेरे अब्बू, मेरी अम्मी या मेरी बहन का हाथ है। He's right. उनके साथ जो हुआ गलत हुआ। मुझे लगता है उनको कम से कम फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। I think we should help him. मैं उनका साथ दूंगा। It's totally wrong जो उनके साथ हो रहा है। I think judgment is wrong. मुझे तो ये जेन्युइन आदमी लग रहा है। आपको क्या लगता है उन्हें रिहा होना चाहिए? वो बेगुनाह है, सरकार को उनको रिहाई देनी ही होगी। हम उसके साथ हैं। हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं। अशरफ अंसारी हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग हमें भारी तादाद पर सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें और अशरफ अंसारी को छुड़वाने में हमारी मदद करें। मुंबई बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अशरफ अंसारी की फांसी की सजा को माफ करने की याचिका पर लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके चार दिन बाद फांसी की सजा बरकरार है। देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेगी। लोगों का कहना है कि अशरफ अंसारी की सजा माफ कर दी जाए। कहा तैयारियां कैसी चल रही हैं नए लोगों की? बढ़िया चल रही है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
बैठो आमिर। सलाम भाईजान। बोलो आमिर, क्या बात है? मेरे भाई को अब तक छुड़ाया क्यों नहीं गया? आप तो कह रहे थे कि उसकी फांसी की सजा हटा दी जाएगी, पर ऐसा होते तो नजर नहीं आ रहा। क्या है ना आमिर, हमारे जो बंदे वहां पर हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी की जो सरकार है उसने बड़ा ही सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है। पर तुम फिक्र ना करो, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे जहन्नुम में गई आपकी कोशिश! मुझे कोशिश नहीं, आखिरी फैसला चाहिए। मेरे भाई को फांसी नहीं होनी चाहिए। आमिर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई है? आवाज तो बहुत पहले से ऊंची है भाईजान, सुनाई आपको आज दे रही है। अरे जनाब, आमिर भाईजान, आप घर जाइए, जनाब से मैं बात करता हूँ। और वैसे भी हम लोग तो हैं ना, भाईजान को कुछ नहीं होने देंगे। मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर चुका है वो, अब और नहीं। जनाब, आपको नहीं लगता कि इस आमिर की जबान ज्यादा ही कुछ लंबी हो गई है? अलग से खींच के निकाल दो। अब आपकी तबीयत कैसी है अबू? अबू, मैं जानता हूं आप मुझे गलत समझते हैं। मैंने जो कुछ भी किया अपने कौम के लिए किया, अपने लोगों के लिए और अपने परिवार के लिए किया अबू, और आज सब कुछ तो है हमारे पास, हमारे अपने लोगों के साथ। कौन से अपने लोग? अपने लोगों से तो बहुत सालों पहले तूने नाता तुड़वा दिया था। ये तो कभी अपने थे ही नहीं, और तूने कुछ नहीं किया है किसी के लिए, तूने सिर्फ दहशत फैलाई है। तू दहशतगर्द है। अगर किसी ने कुछ किया है तो वो मेरा बेटा अशरफ ने किया है, अपने लोगों को बताने के लिए कि उसके परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं है। तू जिसे अपना कह रहा है उसका असली चेहरा खुदा तुझे जरूर दिखाएगा। भाईजान, वो सरफराज मलिक हमें कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और उसने हमें मारने का हुक्म सुना दिया है। देख लिया कौन अपना है कौन पराया? तेरा काम निकल गया तो अब लोग तुझे मार रहे हैं, और वहां मेरे बेटे के लिए पूरा हिंदुस्तान एक हो रहा है। सच्चे इंसान के लिए सारे लोग मिलकर आगे आए हैं। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को अब्बू। अब्बू और अम्मी को नेपाल के रास्ते से लेके निकल, असलम तेरी मदद करेगा। लेकिन भाईजान, आप अपने गुनाह कबूल करने का वक्त आ गया है। लेकिन भाईजान, अबू आमिर कहाँ है? अम्मी कहाँ है? आमिर शहनाज कहाँ है? आमिर हमें ज्यादा बात करना पसंद नहीं। ढूंढो आमिर को। Thank you.
कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। सरफराज ने सबको मार दिया, सबको। अंसारी के दिए हुए सबूतों और इकबाले बयां के मद्देनजर ये अदालत अशरफ अंसारी की फांसी की सजा पर रोक लगाती है और पुलिस को ये आदेश देती है कि इस केस की दोबारा से जांच की जाए और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। आगे की सुनवाई रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। जज साहब, कोई नहीं बचा। अब्बू, अम्मी, शहनाज, सबको मेरे गुनाह की सजा मिली। जज साहब, सब मेरा क्या धरा है, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सबको बेहोश करके उन्हें मैंने ही अगवा किया। उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उनके नकली दस्तावेज और पासपोर्ट मैंने ही बनवाए। मैं सरफराज मलिक की बातों में आ गया था। मेरे अपनों ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की जज साहब, और मेरे सारे गुनाहों की सजा मेरे भाई को मिली। उसे छोड़ दीजिए प्लीज जज साहब। नई जांच की रिपोर्ट और आमिर अंसारी के इकबाले बयान के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि अशरफ अंसारी पर लगाए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इसलिए ये अदालत उन्हें बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है और आमिर अंसारी को उनके गुनाहों के तहत फांसी की सजा मुकर्रर करती है, टू बी हैंग टिल डेथ। सर, सोशल मीडिया पर जो आपका क्लिप है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर सर कुछ तो बोलिए। सर आप ऐसे नहीं भाई। जा...
एक सच्चे हिंदुस्तानी के लिए। आखिर तुमने कर दिखाया। हम सब ने। यह है हमारे देश का कानून जो कहता है भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, पर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, और ये सिर्फ हमारे देश हिंदुस्तान में ही हो सकता है, जहां अनेकता में ही एकता है। जय हिंद। झुकते ना है झुकाते हम, एक मुट्ठी है हम में है दम। झुकते ना है झुकाते हम, एक मुट्ठी है हम में है दम। देश के हम दिए जोत दिल में लिए, चाबी ये देंगे हम हंस के इसके लिए। हो रंग कई ढंग।